वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी ज्योति ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी बीटरूट सीरम बनाना। बीटरूट सीरम को एवरी नाइट आप अपने हाथों पे, अपने फेस पे, अपने लेग्स पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि किस तरीके से दिन ब दिन आपकी स्किन का जो वाइटनिंग है, जो ग्लो है, वो बढ़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सीरम कैसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बीटरूट सीरम कैसे बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस सीरम के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, बीटरूट जिसे चुकंदर भी बोलते हैं, ग्लिसरीन एंड लेमन। सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा जेल, हाफ टी स्पून, बीटरूट जूस जो मैंने पहले ही निकाल लिया है हाफ टी स्पून, ग्लिसरीन की 3 से 4 बूंदे। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ग्लिसरीन की जगह रोज वाटर यूज कर सकते हैं, एंड लेमन। इसे अच्छी तरीके से मिला लें। देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा सीरम। आप चाहें तो इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकती हैं और इसे स्टोर करके रख सकती हैं। मैंने ये थोड़ा सा ही बनाया है। इसे एक कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। ये लगभग 1 महीने तक स्टोर रह सकता है। तो देखा फ्रेंड्स, इस बीटरूट सीरम को बनाना कितना आसान है। इसे बना के कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकती हैं। ये 15 से 20 दिन तक इजीली रह सकता है। ये 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होगा। इसे अपने फेस पे रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कीजिए, अपनी बॉडी पे इसको अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्किन टोन कितनी ज़्यादा फेयर हो गई है। इसको अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए होम रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।